अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। तो पहले बनाते हैं हम यखनी। ये मैंने लिया 600 ग्राम चिकन और इसमें डाल दूंगी मैं 2 बाउल पानी। और इसी बाउल से मैंने चावल लिए हैं, ये 500 ग्राम का बाउल है। और अब पोटली बांध लेंगे मसालों की। तो 2 बड़े चम्मच सौंफ, 4 साबुत मसाले डालकर पोटली बांध कर इनको डाल दूंगी मैं यखनी में। और ये हमारी पोटली बनकर तैयार है। अब इसको मैं डाल दूंगी चिकन के साथ। अब डाल दूंगी इसमें 2 लहसुन की पोथी, तेज पत्ता और नमक। और अब इसको ढककर रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, या जब तक हमारा चिकन गल जाए और यखनी अच्छे से तैयार हो जाए। ये हमारी यखनी बनकर तैयार है। देखिए मसालों ने कितना अच्छे से इसमें कलर छोड़ दिया है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो ये हमारी यखनी बनकर तैयार है। तो अब इसके लिए इसको कर लेंगे साइड में, मसालों की पोटली को हम निकाल देंगे। तो आइए अब इधर देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। प्याज 2 लिए मैंने, हरी मिर्च 8 से 10, धनिया 1 नींबू, 2 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, कुटा हुआ लहसुन और कुछ साबुत मसाले, ये सारे चीज़ें लिए मैंने छौंकने के लिए। तो 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया और इसमें साबुत मसाले, मसाले हम उसी में डाल चुके हैं। तो इसमें मैंने इलायची और तेज़पत्ता, बड़ी इलायची ली है, कुटा हुआ लहसुन, और अब डाल देंगे इसमें प्याज। इनको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। हरी मिर्च, और ये जो हमने चिकन उबाला है वो मैंने डाल दिया पानी में से निकाल कर। और अब इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी थोड़ा भून लेंगे। और अब इसमें डाल दूंगी मैं सूखा पिसा हुआ धनिया, बाकी और लहसुन जो उसमें मैंने उबाला है इसको अच्छे से निचोड़ कर इसको डाल देंगे। बाकी मसाले हम सारे साबुत डाल चुके हैं, तो इसमें सिर्फ मैंने धनिया डाला है। और अब ये भी हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो ये भुन गया। और अब जो मैंने यखनी बनाई है पानी वो इसमें डाल देंगे। और टमाटर, नमक इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था तो नमक इसमें नहीं डालेंगे। और अब इसको उबाल लेंगे अच्छे से पानी को। ये पानी अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें डाल देंगे चावल, ये मैंने आधा घंटा पहले से भिगो रखे हैं। और ये मैंने 1 कटोरा चावल लिए और उसी का डबल मैंने इसमें पानी डाल दिया था यखनी में। और अब इसमें डाल देंगे हम कुछ हरी मिर्च, धनिया
नींबू का रस, ये मैंने एक नींबू का रस इसमें डाला है। और अब इसको उबलने देते हैं पानी को, फिर इसको ढककर पकाएंगे उबलने के बाद। तो इसमें आने देते हैं उबाल, फिर ये अच्छे से उबल गया है। और अब इसको थोड़ा सा चलाकर इसको ढककर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, इसको अब चेक कर लेते हैं चावलों को। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ी कसर है चावल में। और अब इसमें लगाएंगे हम दम। तो इसके लिए पहले मैं लूँगी थोड़ा सा, एक बड़े चम्मच घी, और इसमें एक प्याज इसको भून कर, क्योंकि मैंने पहले तेल बहुत कम डाला है चावलों के हिसाब से। और अब इसमें इसको अच्छे से प्याजों को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और ऊपर से मैं इनको डालूँगी पुलाव में। ये हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले कम तेल डाला है, ऊपर से मुझे घी डालना है। और इस तरह से बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। तो अब इसको ऊपर डाल देंगे हम ये घी और प्याज। और इसको डालने के बाद अब इसको लगा दूंगी मैं दम पर 7 से 8 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच कर। और इसको दम पर रख देंगे 8 मिनट के लिए, फिर इसको देखेंगे। तो इसको ये देखिए, ये हमने दम पर रख दिया। और इसको चेक कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं, बहुत ही अच्छे। और चावल अच्छे से गल भी चुके हैं दम पे रखने से। तो इनको निकालते हैं प्लेट में। ये देखिए, एकदम गर्मा गर्म पुलाव बनकर तैयार है, और बहुत ही अच्छे चावल खिले खिले बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।